हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी एलकेजी इंग्लिश का सिलेबस। मान्या, वानी, दक्ष, हिमांगी, इनके पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप एलकेजी इंग्लिश का सिलेबस का डिस्कस करें। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। सबसे पहले कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक आपको रिवाइज करवाना है। जब तक बच्चा पूरी तरीके से रिवाइज ना करे तब तक आपको ए से लेके जेड तक रिवाइज करवाना है। फिर इसके बाद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर भी आपको जब तक बच्चा ए से लेके जेड तक पूरी तरीके से सीख नहीं लेता है तब तक आपको रिवाइज कराते रहना है अपने बच्चे को। देन मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर एग्जाम्पल लाइक दैट, ए आफ्टर ए बी, आफ्टर बी सी, आफ्टर सी डी, आफ्टर डी ई, कुछ इस तरीके से कराना है अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे दे करके। सेकेंड जी, आफ्टर जी एच, आफ्टर एच आई, आफ्टर आई जे, आफ्टर जे के, आफ्टर के एल, एन आफ्टर एन ओ, आफ्टर ओ पी, आफ्टर पी क्यू, आफ्टर क्यू आर, आफ्टर आर एस, वी बिफोर वी यू, आफ्टर वी डब्ल्यू, आफ्टर डब्ल्यू एक्स, आफ्टर एक्स वाई, आफ्टर वाई जेड। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल देकर के अपने बच्चों को रोज रिवाइज करवाना है। इस तरीके से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में सिखाएंगे हम अपने बच्चों को। थर्ड वोवेल इंट्रोडक्शन लाइक ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वोवेल्स, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। इसके जो बाकी बचे वर्ड्स वो होते हैं कंसोनेंट, ये हमें बच्चों को वोवेल इंट्रोड्यूस कराना है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइमिंग वर्ड्स, साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू, राइमिंग वर्ड्स, साउंड ऑफ ए कैट मैट फैट, साउंड ऑफ ई गेट लेट मेट, साउंड ऑफ आई टिन विन पिन, साउंड ऑफ ओ पॉट हॉट कॉट, साउंड ऑफ यू हग मग जग। तो ये था हमारा एलकेजी का सिलेबस। तो मम्मीज, इनमें से जो आपको इजी टॉपिक लगे वे अपने बच्चों को घर पे रिवाइज कराएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।